हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर से मेंदू वड़ा। ये रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस रेसिपी को आप शाम के चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं या नाश्ते के रूप में बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे मटर से मेंदू वड़ा बनाने की सामग्री है 2 कप फ्रेश मटर है, 2 कप ब्रेड क्रम है। ब्रेड क्रम बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 कप चावल का आटा, 1/2 कप हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च है जिसे हमने तोड़ लिया है, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक, 1 बॉयल आलू, पानी, 1 चम्मच करी पत्ता बारीक कटा हुआ, 5 से 6 कली लहसुन की, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और तेल। मिक्सी के बर्तन में हम मटर को डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, 2 चम्मच पानी डालेंगे और दरदरा पीस लेंगे। मटर को हमने दरदरा पीस लिया है। मटर को हम बाउल में निकाल लेंगे, ब्रेड क्रम डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, जीरा डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 आलू तोड़कर डालेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, बिना पानी डाले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स करके सख्त डो बना लिया है। अगर आपका डो गीला हो जाता है तो आप इसमें और ब्रेड क्रम और चावल का आटा डालकर सख्त डो बना सकते हैं। अब हमारा डो मेंदू वड़ा बनाने के लिए तैयार है। मेंदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों को तेल से ग्रीस करेंगे और अब हम मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। इस तरह से हम एक बड़ा पेड़ा बनाएंगे, हथेली से दबाएंगे। दबाने के बाद हम उंगली से छेद करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे मेंदू वड़े को बनाकर तैयार करेंगे। मेंदू वड़े को हमने बना लिया है। इसी तरह से हम बचे हुए मिश्रण से भी मेंदू वड़ा बनाएंगे और तेल में फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, तेल को बहुत ही अच्छे से गरम करना है और अब हम आंच को मीडियम रखेंगे और मेंदू वड़े को तलेंगे। अच्छा क्रिस्पी होने तक हम तलेंगे, पलट लेंगे हम। अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे मेंदू वड़े को तलेंगे। हरे मटर से मेंदू वड़ा बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। आजकल मार्केट में मटर की बहार है, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।